बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम संध्या से माफी क्यों नहीं मांग लेते? जाकर उसे मना लो। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो उसका दिल जीतने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो आपको समझ ही ना पाए उसके सामने सर फोड़ने से क्या फायदा। हाय संध्या। हाय। तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? श्योर। 90-300-3128। ये मेरा नंबर है। I'll save it. संध्या? आ रही हूँ मामा। मैं अभी आती हूँ, एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। My life. देखता हूँ मेरा नंबर कौन से नाम से सेव किया है। अब क्या हो गया? ए साइड हट। हे भगवान। हाय संध्या। मेरे साथ घूमने बाहर चलोगी? मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। सॉरी गौतम, आज मेरा मन नहीं है। इट्स ओके। तुम्हारी तो पिटाई करनी चाहिए। फिर से शरारत की तो बाथरूम में बंद कर दूंगी। इतना भी नहीं जानती कि क्या खेलने की चीज है और क्या नहीं? इतने बड़े हो गए तुम। ए चुप रहो। क्या हुआ? एक्टिंग मत करो। दीदी की घड़ी घुमाती। स्कूल में यही सिखाते तुम्हें? क्या संध्या, एक घड़ी के लिए इसे डांट रही हो? जाने दो, नई घड़ी खरीद लेना। तुम नहीं जानते वो घड़ी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। वो घड़ी तुम्हें कार्तिक ने दी थी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में यानी नवंबर के 9 तारीख को टी मोहन राव की बेटी संध्या की सगाई जी पद्म राव के बेटे गौतम से तय की जाती है। ये मंगल कार्य आप दोनों परिवारों के इष्ट देवता के समक्ष संध्या और गौतम के अभिभावकों की शुभ उपस्थिति में संपन्न किया जा रहा है। कृपया अब सब लोग खड़े हो जाएं। अब लड़का लड़की एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाएंगे। हाथ बढ़ाओ बेटे। तुम भी पहनाओ इसे। कार्तिक क्यों अलग हुए संध्या? उसने मुझे धोखा दिया था। इस वक्त तुम भी तो वही कर रही हो। बस गौतम, मुझे पूछने दीजिए। तुम्हारे हिसाब से उसने एक झूठ को सच साबित करने की कोशिश की, और तुम क्या कर रही हो संध्या? तुम भी अपने प्यार को छुपाने का गुनाह कर रही हो। मैं कार्तिक से मिला था संध्या। मैं पिछले 20 सालों से संध्या से प्यार करता हूँ।
तुमसे अलग होने की मैंने उससे वजह भी नहीं पूछी। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि वो मुझसे शादी कर रही है, या दुखी होना चाहिए कि वो अब तक तुमसे प्यार करती है? वो कब खुश होती है, कब दुखी होती है, कब उसका मूड अच्छा होता है, कब खराब होता है, ये मैं कभी नहीं जान पाया। पर एक सवाल मुझे खाया जाता है, बिना शादी किए उसके प्यार का इम्तिहान लेना तो एक सोच थी। तुमने वही किया जो तुम्हें भविष्य के लिए सही लगा, पर कभी सोचा सच पता चलने पर संध्या पर क्या बीतेगी? सोचा था। मैं समझ नहीं पाया आखिर तुमने ये सब किया क्यों? मेरे झूठ बोलने की एक ही वजह थी, दो लोगों के भविष्य को उजड़ते ना देखना, मेरा और संध्या का। शादी के बाद गलत फहमियां होती हैं तो जिंदगी बिखर जाती है, जैसे मेरे दोस्त रवि और उसकी बीवी की बिखर गई। तो फिर ये बात तुमने संध्या को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं संध्या को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए। शादी करने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती है। अब भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, संध्या खूबसूरत है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार करते हो, क्या शादी करने के लिए इतनी वजह काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आजकल के जुम्मा जुम्मा चार दिन के प्यार को लोग सच्चा प्यार समझ बैठते हैं, चुटकी बजाते ही प्यार हो जाता है। आजकल प्यार व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी मिल जाता है। नई जनरेशन को सच्चे प्यार का मतलब ही नहीं पता है। लिव इन रिलेशनशिप नए जमाने का ट्रेंड बनता जा रहा है। मिलो, डेट करो, फिर पार्टी करो और पार्टनर को छोड़ दो, इसी को वो प्यार समझते हैं। मेरी नजर में प्यार वो है कि जिससे भी प्यार करो उसे धोखा मत दो। जिस दिन से संध्या को देखा मुझे उससे प्यार हो गया था, शादी करना चाहता था। मेरे लिए शादी का मतलब है पति पत्नी के बीच भरोसा। अच्छे इरादे से बोला हुआ झूठ संध्या समझ नहीं पाई तो पूरी जिंदगी मुझे क्या समझेगी? वो जहां भी रहे खुश रहे। एक वो है जो अपना प्यार खो रहा है फिर भी उसे किसी बात का गम नहीं है, एक मैं हूं जिसे प्यार मिल रहा है फिर भी मैं अंदर से खुश नहीं हूं। संध्या छाती ठोक कर कार्तिक को बताने गया था कि मैं संध्या के साथ बहुत खुश रहूंगा, लेकिन अब तुमसे सगाई करते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है। जरा देखिए ना आंटी, सब लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं पर संध्या कार्तिक के बिना कितनी दुखी लग रही है। इसे भूख लगेगी तो हम खाना परोसेंगे, पर कार्तिक इसे अपने हाथों से खिलाएगा। संध्या रोएगी तो हम उसके आंसू पोंछेंगे, पर कार्तिक इसे रोने की कोई वजह ही नहीं देगा। कभी ये रूठी तो बिना वजह पूछे इसे मनाता रहेगा। शादी से पहले लोग हजारों झूठ बोलते हैं, पर झूठ बोलने की वजह क्या थी, उसका क्या असर पड़ेगा, ये कोई भी नहीं सोचता। तुम ये गलती मत करो, कोई झूठ अगर अच्छाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, और कार्तिक के झूठ के पीछे अच्छाई छुपी थी। शादी के बाद अक्सर प्यार कम हो जाता है, पर उसका प्यार शादी के बाद भी बढ़ेगा, उसकी सोच बहुत महान है। शादी एक दूसरे की सहमति से होनी चाहिए, किसी पर गुस्सा निकालने के लिए नहीं। मुझसे शादी करके तुम कार्तिक का गुस्सा निकालना चाहती हो? तुम ये सब मत सोचो, अपने बारे में सोचो। नहीं आंटी, अगर मैंने संध्या से शादी कर ली तो हम सिर्फ नाम के पति पत्नी होंगे, हमारे जिस्म भी अलग होंगे और हमारी आत्माएं भी। सॉरी आंटी, इंसान उसी से नाराज होता है जिससे वो प्यार करता है, इसलिए तुम कार्तिक के गुस्से को नफरत की नजरों से मत देखो। संध्या उसे कभी छोड़ना मत, ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कार्तिक के बिना तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। संध्या तुम किसी की मत सुनो, तुम बस अब वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। जाओ संध्या। थैंक यू गौतम। मामा अब देर मत करो, तुम संध्या से बहुत प्यार करते हो, शायद बहुत ज्यादा। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार तो वो होता है जो हर हाल में अपने प्यार की खुशियों पर
कभी कोई आंच ना आने दे। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक कहाँ है? वो तो अभी अभी एयरपोर्ट गया है बेटा। कार्तिक के संध्या से दूर जाने के 3 महीने बाद एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो तो है, लेकिन टीम मेंबर्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, जैसी लवर्स में होती है। लवर्स जैसी? यस, जैसी लवर्स में होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व करो, अगर कोई गलती कर दे तो उसे माफ कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉप की ओपनिंग पर सानिया मिर्जा से मिली थी। मैंने पूछा, सानिया तुम्हारे हस्बैंड तो दुश्मन देश से है, तो तुम बिना लड़ाई किए कैसे रह लेती हो? तो पता है उसने क्या कहा? संध्या, अगर दिल किसी को पसंद करे तो दिमाग को समझाया जा सकता है। तो आज मैंने तुम्हें प्यार के बारे में समझाया, कल मैं तुम लोगों को शादी के बारे में समझाऊंगी, ठीक है? चलो खेलते हैं, लेट्स गो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये कार्तिक मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं सिर्फ तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, अंधी भैंस की तरह हमेशा प्रेम प्रेम आलापती रहती हो। भेजा है कि नहीं? अगर दिमाग है तो इस्तेमाल करो ना। हे सुनो, क्या है, मुझे माफ नहीं करोगे तुम? हम एक दूसरे को बिल्कुल मैच नहीं करते, जाने दो ना। मैच नहीं करते, मैच नहीं करते, मैच नहीं करते। दुनिया में किसी को भी परफेक्ट मैच नहीं मिलता, मैच करना पड़ता है। तुम्हें पता है तुम गुस्से में बंदर लगते हो, नाक देखो पकौड़े जैसी। ठीक है, किसी को हर्ट करो तो उसे गिफ्ट देकर मना लेना चाहिए। नहीं रहने दो, तुम गिफ्ट दे रही हो, कल मुझे भी देना पड़ेगा। शादी के बाद डिमांड करोगी, मुझे स्टोन की रिंग दोगी, बदले में डायमंड की लोगी, मुझसे ना होगा। ये बकवास बात है, किसने कही तुमसे? तुमने मुझसे झूठ कहा, लेकिन हमारी भलाई के लिए कहा ना, तुमने इतनी एक्टिंग की, मुझसे प्यार करते थे इसलिए ना। रहने दो, तुम्हारे ऊपर से मेरा भरोसा उड़ गया है। तुमसे शादी करके लगता नहीं मेरा भविष्य सुखी रहेगा, अपनी नहीं जमेगी, बाय। हेलो मिस्टर कार्तिक द ग्रेट, रुको तुम्हें मेरी कसम। क्या है? तुम्हें मेरी कौन सी आदत पसंद नहीं है प्लीज बता दो, मैं उसे बदल दूंगी। लेकिन मुझे ऐसे अवॉइड मत करो, बर्दाश्त नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा है, बस इतनी सी बात पे मान गया? Yes. और उसके बाद सिर्फ मौजा ही मौजा था। शूज का मौजा?